आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जुम्मा का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज कुबराज किचन में बनने जा रही है जी फैट लॉस टी। टी के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सादा हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। ये जी ले लिया मैंने कार्डेमम यानी कि छोटी इलायची, उसके साथ ही मैंने लिया है दालचीनी यानी कि सिनेमन, और एक लेमन ले लिया है मैंने, साथ में ही मैंने मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, और एक अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा मैंने लिया है। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास अगर खुली ग्रीन टी अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो टपाल ग्रीन टी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ले लिया है जी शहद, और मैं यूज़ कर रही हूँ मरहबा हनी। आपके पास जो कोई भी शहद मौजूद हो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जो होगा वो 2 कप इस्तेमाल होगा। अच्छा, 2 कप पानी को आपने इतना बॉयल करना है कि वो तकरीबन 1.5 कप रह जाए। ठीक है, उसके बाद आप इस टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम जी अपनी ग्रीन टी, और मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे इसमें जाएंगे, यानी कि इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 आप इसमें शामिल कर लें छोटी इलायचियाँ, साथ में मिंट लीव्स और साथ में अदरक। इसको आपने एक पैन में डाल के तो बॉईल कर लेना है। तो चलिए मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ। जी तो वह सबसे पहले मैं पानी में शामिल कर रही हूँ पुदीने के पत्ते, इनको अच्छे तरीके से धो के आपने शामिल कर लेना है। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक, सिनेमन और साथ ही इसके अंदर जाएगी छोटी इलायची कार्डेमम। अब मैं इसे पकने के लिए रखूँगी, इतना पकाना है कि ये 1.5 कप रह जाए, और ये मैंने इसे कवर कर दिया है। अब ये जब 1.5 कप रह जाएगा तो देन हम इसको निकाल लेंगे कप्स में। जी तो व्यूअर्स, ग्रीन टी हमारी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको पोर कर लेती हूँ। दो कप्स में। अच्छा, इसको 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप तो मैं आपको बना देती हूँ लेमन टी वाला, इसमें आप 1/2 लेमन डाल लें। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सेहत के लिहाज से ठीक हैं, यानी कि उन्हें कोई स्टमक इश्यूज़ नहीं है, या फिर उनको और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से उनका स्टमक इशू करता है, या उनको वैसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टी है ये प्योरली इसके अंदर जस्ट जो है सिनेमन है, और साथ में छोटी इलायची है कार्डेमम और मिंट है। ठीक है, तो इसको प्योरली आपने यूज़ करना है, और इसके अंदर आप हनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये 1/2 टीस्पून इसमें चला जाएगा हनी, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। हनी मिक्स करने के बाद मैं इसे शामिल करूँगी ये टपाल टी का टी बैग। तो ये आपकी तैयार हो गई है जो बहुत मज़ेदार सी फैट लॉस टी, फैट कटर है बेसिकली ये। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह फैट ज़रूर जाएगा। इसे आप नाश्ते में भी पी सकते हैं, ठीक है, और इसे आप रात को सोते वक्त भी पी सकते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ। रेसिपी कैसी लगी अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली जो रेसिपीज़ हैं इसी तरीके से आप तक पहुँचती रहे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।